तक क्यों नहीं आया? अरे बेटा ऑफिस गया है, थोड़ी देर हो जाती है, बस आता ही होगा। लगता है आ गए। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कैसा था पहला दिन? सब अच्छा गया? कैसे लोग थे वहाँ? साक्षी मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करें। सब कुछ ठीक तो गया ना? नहीं साक्षी, कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। आज ऑफिस में पहला दिन था और मेरा तमाशा बन गया। गॉड। करण, अभी आप ही कह रहे हो ना कि आज ऑफिस में आपका पहला दिन था, तो आप पहले दिन ही हिम्मत कैसे हार सकते हैं? आज माँ के साथ इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही, तो फिर आप हिम्मत कैसे हार सकते हैं? देखिए उनकी तरफ, कितनी स्ट्रांग है वो। आप भी कैसे हो सकते हैं करण? और वैसे आप जो चाहे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक्स। करण बेटा मैंने खाना लगा दिया है, चल जल्दी से हाथ धो के आ जा। और ये मुझे दीजिए। कल सुबह तुम ऑफिस आओगी और सारी प्रॉपर्टीज पर अपना हक छोड़ दोगी। सारी प्रॉपर्टीज अब मेरे नाम ट्रांसफर। करण इस वक्त इतना परेशान है, इससे अगर मैंने पल्लवी के फोन के बारे में कुछ बताया तो ये ठीक से खाना भी नहीं खा पाएगा। नहीं मैं अभी इसे कुछ नहीं बताऊंगी। मॉम क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, चल चल खाना खा। मॉम एक मिनट। मॉम आप कुछ छुपा रही हैं। नहीं तो आप ठीक नहीं, आपका ध्यान कहीं और है, वरना आप दाल में कभी इतना नमक नहीं डालती। दाल में नमक ज्यादा डल गया है, वो गलती से डल गया होगा। मैं दूसरी दाल देती हूँ, थोड़ा नींबू डाल के देती हूँ, ठीक लगेगा वो। माँ सच बताइए सब ठीक तो है ना? मैं कब से आपको नोटिस कर रही हूँ। बेटा वो फैक्ट्री की इतनी तैयारियाँ करनी है, बस ध्यान उसमें ही था। इतनी सारी औरतों को मैंने नौकरी के लिए कह दिया है। सब अच्छा होगा माँ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चल ये ले जा, करण को दे दे। यस मैम। मैं चलूं? बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोली ना। कल पल्लवी का फोन आया था, वो चाहती है आज मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस आकर कुछ कागजों में साइन करूं। क्या? बेटा वो चाहती है कि जो जो प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे है मैं उन्हें साइन करके उसके नाम पे कर दूं। मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैं तुम बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। क्या तुम? आपको इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए यही काफी। मैं जानती थी मुझे गर्व है तुम। चलो आपका रुमाल, आपका वॉलेट। अरे जी कभी याद नहीं रहता ना। बाय। हे भगवान आज बहुत बड़े फैसले का दिन है, मुझे हिम्मत दीजिए भगवान। हाँ
बेटा मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना है आज, तो चलेगी मेरे साथ? ऑफ कोर्स मां, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन जाना कहाँ है? करण के पापा के ऑफिस जाना है। What? क्यों मां? चल बेटा तू चल मेरे साथ, तुझे सब कुछ वहीं बता दूंगी, चल जल्दी चल। जी नो डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारा सब कुछ उस पल्लवी के नाम कैसे कर सकते हैं? क्या हम आपके कुछ नहीं लगते? कोई रिश्ता नहीं आपको और हमारा? ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है अब शारदा के हाथ में है और सब डिसीजन उसी पर डिपेंड करता है। This is not fair, Dad. It's just not fair. गलती आपकी है, आपकी गलतियों की सजा हम क्यों भुगतेंगे? हम बच्चों से हमारा हक क्यों छीना जा रहा है डैड? प्लीज कम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हाँ बोलो। मैं ऑफिस पहुंच ही रही हूँ, बट मेक श्योर शारदा पेपर्स पर साइन कर दे। ओके। प्लीज गो अहेड सर। मैं हूं पल्लवी जी का लॉयर और इन पेपर के अकॉर्डिंगली मिसेस शारदा मोदी शारदा इंडस्ट्री पर अपना सारा हक अधिकार छोड़ने को तैयार है अपनी मर्जी से। आज से शारदा इंडस्ट्री और उसकी किसी भी चीज पर उनका मालिकाना अधिकार नहीं रहेगा। मिसेस मोदी अपने पूरे होश हवास में और अपनी मर्जी से ये सब पल्लवी अजमेरा को दे रही है। आज से शारदा इंडस्ट्री की नई मालकिन होंगी पल्लवी अजमेरा। That's not possible. शारदा इंडस्ट्री से शारदा को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। माँ कभी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करेंगी। इस कंपनी के एक एक ईंट पर शारदा मोदी का नाम लिखा हुआ है। भले इस कंपनी को पापा ने बनाई, लेकिन माँ हमेशा उनके पीछे खड़ी रही। हर कदम पर पापा को माँ ने ही संभाला है। जो खुद खड़ी नहीं हो सकती वो किसी और को क्या संभाल सकेगी? सबकी शारदा मोदी एक अनपढ़ गंवार औरत है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा करने का क्रेडिट आप एक इलिटरेट औरत को देना चाहते हैं? एक मिनट, कह रही हो तुम, मैं इलिटरेट थी, अनपढ़, गवार, जाहिल, इसीलिए तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। पता ही नहीं चला कब वक्त की आंधी में सब कुछ बिगड़ गया। मेरी पहचान, मेरा अभिमान, मेरा अस्तित्व, सब कुछ
लेकिन अब और नहीं। अब मैं जो कुछ करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। जो कुछ मेरा था ही नहीं वो मुझे चाहिए भी नहीं। मैं अपनी मर्जी से सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं। मामा, मामा प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, पर मामा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मामा प्लीज साइन मत करिए। मामा प्लीज मेरी बताइए किन कागजों पे दस्तखत करने हैं? पेन दीजिए। शारदा मोदी ने आज तक पेपर्स पे अपने अंगूठे का निशान लगाया था। शारदा मोदी की यही पहचान थी। लेकिन आज से मेरी एक नई पहचान बनेगी, सिर्फ शारदा, शारदा मेहता। शारदा, माँ मैं रिक्शा में। शारदा आई एम सॉरी, आज मेरी वजह से तुम्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। आप मुझे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। वैसे भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चाहिए अपनी नई दुनिया को संभाली। आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। साक्षी, बेटा मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है। आ मेरे साथ। ये देख, ये तूने ही मेरे लिए बनवाया है ना? अब बता क्या इसमें शारदा मोदी
और शारदा मेहता एक साथ आ सकता है क्या? प्रतीक बिल्कुल सही कहता था डैड, पर मैं ही नहीं समझ पाई। मैंने हमेशा अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी माना, अपने करियर को अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा नहीं, अपनी पूरी जिंदगी माना। मैं अपने करियर पे इतना फोकस थी डैड कि मैं ये कभी समझ नहीं पाई कि एक बॉस हमेशा बॉस ही है, फिर चाहे वो मेरे अपने डैडी क्यों ना। बेटा तू जानती है मैं हमेशा एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ बनना चाहती थी, और शारदा मोदी बन के मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ये सब बन पाऊँ, लेकिन भगवान शायद कुछ और ही चाहते थे। वो मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, और साक्षी मैं चाहती हूँ कि इस परीक्षा में भी मैं फर्स्ट आऊँ। तू मेरी गुरु है ना, अगर तू मेरा साथ नहीं देगी तो इस परीक्षा में मैं फर्स्ट कैसे आऊंगी? मैं अभी आई। कहाँ जा रही है? नहीं लतिका, यू हैव टू अंडरस्टैंड माय पोजीशन। योर पोजीशन? एंड व्हाट अबाउट माय पोजीशन दैट मैंने शारदा इंडस्ट्रीज के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी है, मेरा घर, मेरी बेटी, मेरा पति, यहाँ तक कि मैं प्रतीक को छोड़ के आ गई थी डैड। वो तो मामा ने मुझे समझाया मेरा घर बच गया। एंड यू, आपने हमारा सब कुछ पल्लवी के नाम करने के पहले एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आप चाहते तो पल्लवी को रोक सकते थे। यू नो व्हाट डैड, कल तक मेरे मन में कहीं ना कहीं आपके लिए इतनी सी सिंपथी जरूर थी, पर अब आपने मामा को चीख तो किया ही है पर साथ में हम सबको धोखा दिया है। वैसे मैंने इस कंपनी से रिजाइन करने का प्लान किया था। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम ये नहीं करोगी तो और करोगी क्या? Come on, Dad. मैं लतिका हूं। आप भूल कैसे सकते हैं कि मेरी काबिलियत क्या है? मैंने मार्केट में हमारी सारी राइवल कंपनीज को उनकी सही जगह दिखा दी। मैंने कहा था कि मैं प्लान कर रही थी, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप डरिए मत, मैं इसी कंपनी में रह के पल्लवी को उसकी सही जगह दिखा, मैं इसी कंपनी में रह के पल्लवी को इंटरनल कंपटीशन। गुड लक टू यू। सर मैंने वो खुराना वाली डील कैंसिल कर दी। व्हाट? किससे पूछकर? करण, मैंने तुम्हें वो डील करने के लिए दी थी, मेरे ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है। सर मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये डिसीजन लिया है, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हो रहे थे कि हम ये डील करके बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी माँ कहती है कि हमें हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए, और मैंने भी बस वही की। हेलो, अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। लगता है आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है मिस्टर करण। उस कंपनी का मार्केट पर बहुत पैसा बकाया है और वो बहुत जल्दी बैंकक्रप्ट होने वाली है। दैट मींस हम एक बहुत बड़े लॉस से बच गए। वेल डन करण, यू आर अ जीनियस, गुड जॉब। थैंक यू सर। आपको पता है मैं स्कूल में ना मैथ्स में बहुत वीक थी। मेरी टीचर हमेशा मुझे कहती थी कि सारे सम स्टेप बाय स्टेप बना, तब जाकर सॉल्व होंगे। अब आज ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको आपके सारे सपने पूरे करने हैं तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। स्टेप बाय स्टेप? हाँ माँ, देखिए हम स्टेप्स लिखते हैं। पहले वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलना है, साथ एक दूजे के मंजिल को मिलना है, खुशियों के राहों पे दिन ठहरे चलना है, मन के आंगन में फूलों से महके। माँ ये वो सपना है जो आपको हर रोज जागती आंखों से देखना है, इन्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें।
और मैं जानती हूँ आप अपना ये सपना पूरा जरूर करेंगे। हाँ साक्षी, हम ये सपना जरूर पूरा करेंगे।